है कोई अभी भी जिसको क्षमा करना है कोई अभी भी जिसको क्षमा करना है? अहिंसा परमो धर्म मतलब एक भी सोच से भी किसी की हिंसा नहीं करनी है। इतना हम ध्यान रखते हैं कि ये नहीं खाना, ये नहीं, इससे कीड़े जंतु इनकी हिंसा होती है। अपनी सोच से तो हम लोगों को कितना मार देते हैं, करते हैं कि नहीं करते? आप किसी के लिए नेगेटिव सोचते जाओ सोचते जाओ, उसकी खुशी तो सामने वाले की खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। तो मार नहीं दिया उसको, तो अहिंसा है ना धर्म, अहिंसा धर्म है ना। तो अहिंसा धर्म है तो हर थॉट कैसी होनी चाहिए, हर थॉट कैसी होनी चाहिए? हम कोई भी इम्प्योर थॉट क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले मेरी खुशी की हिंसा होती है, फिर मेरे शरीर की सेहत की हिंसा होती है, फिर उस रिश्ते की हिंसा होती है, एंड वातावरण में वो नेगेटिव वाइब्रेशन फैल जाता है और वातावरण की हिंसा होती है। हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि हम सात्विक आत्माएं हैं, है ना। तो जो भी पुरानी बात पकड़ के रखी है उसको बैठ कर आज समझे, उन्होंने ऐसा किया क्यों था, उनका कोई संस्कार था, वो किसी बात से हर्ट थे, उनका मूड नहीं था, या वो मेरा पुराना उनके साथ कोई हिसाब किताब था, फिनिश्ड फुल स्टॉप। उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने इतने दिन से उस बात को पकड़ के रखा था। आज क्या करेंगे, उसको भी एक मंत्र बनाएंगे, आई फॉरगिव, आई लेट गो, आई डिलीट, आई डिलीट, आई डिलीट, कार्मिक अकाउंट ओवर। जैसे बात करेंगे अपने मन से वैसा संस्कार बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। आज से करेंगे 31st से पहले डिलीट हो जाएगा वो हर्ट, बिल्कुल हो जाएगा। 15 दिन तो बहुत है, लेकिन वो करते हुए किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इनको बताऊँ ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन मैं उसको अब फॉरगिव करने वाली हूँ, तो कोई आसपास के लोग ही बोलते, नहीं डोंट फॉरगिव, हाँ गलती बहुत बड़ी थी उनकी। और मैं अब उनका कहना ना भी मानूँ, मैं फॉरगिव कर रही हूँ, लेकिन मैंने एनर्जी कौन सी इन्वाइट कर ली, डोंट फॉरगिव, डोंट फॉरगिव। तो मैं एक मुश्किल काम जो मुझे मुश्किल लग रहा है वो करना शुरू करना चाहती हूँ, तो मुझे उसमें सिर्फ दुआएं चाहिए। तो जो आपको फॉरगिव करने में इनकरेज करेंगे उनके साथ शेयर करना, लेकिन जो उसके लिए ऑपोजिट करेंगे उनके साथ शेयर करके ऑपोजिट एनर्जी अपने अंदर नहीं इन्वाइट करना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी एनर्जी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचती है। तो करने के बाद बता देना, और हो सकता है आपको करता हुआ देखकर दूसरे भी प्रेरित हो जाएंगे वो करने के लिए। तो अपना कार्मिक अकाउंट क्या करना होता है, सेटल। कोई हमारे चित्त पर अगर बैठा रहे तो भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, कोई पुरानी बात पड़ी रहे तो भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, और फिर नई बात को फेस करने की ताकत। मेरी इनके साथ गांठ बनी, वो मैंने पकड़ के रखी, ताकत घटती गई, इस रिश्ते में प्रॉब्लम तो बहुत इजीली आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज है। तो एक प्रॉब्लम की वजह से बैटरी डिस्चार्ज होती है, रिजल्ट और प्रॉब्लम्स पर उसका पड़ता है। तो मेरा रिश्ता कौन ठीक करेगा, मेरा रिश्ता कौन ठीक करेगा? आज से किसी के भी संस्कार को गलत नहीं कहेंगे, ये उनका संस्कार है। उनको प्योर एनर्जी दे दे के उनके संस्कार को भी क्या करेंगे, उनके संस्कार को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और एक्सपेक्टेशन तो हमें पता ही नहीं कि होती क्या है, और अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया में फैला के नेगेटिव एनर्जी को इंटेंसिफाई नहीं करेंगे। कभी कभी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, कभी किसी के साथ कोई बात हो भी जाए घर में, तो कभी कभी आजकल हम बोलचाल बंद कर देते हैं थोड़े समय के लिए, होता है ऐसा?
किस किस के पास ये संस्कार है बोलचाल थोड़ी देर बंद करने का? संस्कार है ये भी, चेंज हो जाएगा। किस किस के पास संस्कार है बंद करने का, कितनी देर के लिए? हाँ, जब तक मन शांत नहीं हो जाएगा तब तक बंद रखेंगे। ओह, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है? मे बी 2-3 days। कितनी देर चुप रहते हैं एक आर्ग्यूमेंट के बाद? कितनी देर चुप रहते हैं? 1-2 घंटे, 1-2 दिन? एनीथिंग एल्स, एनी अदर फिगर? सी व्हाट विल हैपन। यहाँ मैं अपसेट थी, आप भी अपसेट थे, आर्ग्यूमेंट हुई, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई, 5 मिनट हुई, 1 घंटा हुई, जितनी भी देर वो चली बात सारी, ठीक है? अब हो गया, बहुत सारा निकल के आ गया, जो जो बोलना था एक दूसरे को बोल दिया, बहुत दिन से सोच रहे थे बोले, सारा निकल के आ गया बाहर, हो गया। दोनों बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज। अब चुप हो गए, बोलना बंद कर दिया। मन ने बोलना तो नहीं बंद किया? मन ने तो नहीं बोलना बंद किया, सिर्फ मुख से बोलना बंद कर दिया। जब ये हम चुप हो जाते हैं तो मन कितनी अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट कर रहा होता है उस टाइम, कर रहा होता है? जो वो आर्ग्यूमेंट होती है ना, उसमें भी उतनी बैटरी डिप्लीट नहीं होती जितनी साइलेंस में होती है। सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, वो भी सामने वाला भी सोचता है, बहुत पावरफुल एनर्जी एक्सचेंज चलता है एंड उसका डायरेक्ट असर घर में सब पर होता है। बच्चे भी उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और बच्चे भी इसको जीवन जीने का तरीका बना लेते हैं। अब कल आप उनका कहना नहीं मानो, वो आपसे 2 दिन बात नहीं करेंगे। They learn this is the way to live and they absorb that vibration. मन को शांत करना है, immediately बात करना शुरू करो। मन शांत तब होगा जब मेरी और आपकी नेगेटिव थॉट्स जो एक दूसरे को जा रही हैं वो बंद हो जाएंगे। आपके चुप रहने से आपने अगर अपने मन को शांत कर भी लिया लेकिन मैं अशांत हूँ तो आपको मेरे से क्या मिलता रहेगा? नेगेटिव। आपका मन शांत हो नहीं सकता क्योंकि आई एम सेंडिंग यू सो मच। मैं सॉरी बोल रही हूँ, आप फिर भी बात नहीं कर रहे। मैं बार बार मैसेज भी भेज रही हूँ, आप फिर भी बात नहीं कर रहे, तो मेरा मन से क्या जाता जाएगा? तो वो आप शांत नहीं हो सकते फिर। वी हैव टू अंडरस्टैंड, मन शांत मतलब किसी के भी मन पर एक भी नेगेटिव दर्द की थॉट नहीं चले। तो बात हुई, बात हो गई, पहली बात तो एक्सपेक्टेशन खत्म होगी, तो बातें ही कम होंगी वैसी वाले, लेकिन फिर भी हो गई। कितनी देर के बाद नॉर्मल? कितनी देर के बाद नॉर्मल? कौन रोकेगा? इमीडिएटली हो नहीं पाता, कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? अपना ही मन है बहन, जो बोलोगे वो मानेगा, नहीं मानता है आप आज करके देखना। हाँ, अब हम यहाँ से एक ब्लेसिंग क्रिएट करते हैं कि आपके घर में आज छोटी सी बात आएगी, बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्लीज़ अपने मन को नहीं कहो ये मानता नहीं है मेरी बात, वो एक ही है जो आपकी बात मानता है, लेकिन वो अभी भी आपकी बात ही मान रहा है क्योंकि आप ही अभी उसको कह रहे हो बहुत मुश्किल है, इमीडिएटली बात नहीं कर सकते, तो वो आपकी ही बात मान रहा है एक्चुअली। सटल में भी जो हम कहते हैं ना वो हमारा मन मानता है, आधी रात को नींद में भी हम जो कह रहे हैं वो हमारा मन मानता है, इसलिए एक ही है जो अपना मानता है, उसको जो जो कहोगे वो मानता रहेगा। साइलेंस में रहे मन दुखी, शरीर पे बीमारियां होती हैं, सिर्फ हमारी नहीं
उनकी भी, वो कौन है, फैमिली। कल उनको कोई बीमारी हो गई तो हम सबको छोड़ के उनका ही ध्यान रखेंगे ना, तो उनकी सेहत के लिए ही बात करना शुरू कर दो। कर दो कि नहीं कर दो? यहाँ ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं ना, तब तो इस शरीर में जाके ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। अहंकार रोकता है, अहंकार को बोलना मेरे रिश्ते आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिश्तों को अपने अहंकार से ऊपर रखना, तो अहंकार धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। दूसरा नहीं भी बात कर रहा, हम बात करेंगे। वो फिर भी नहीं बात कर रहे, हम करेंगे। वो फिर भी जवाब नहीं दे रहे, हम नॉर्मल होंगे। दोनों में से एक भी नॉर्मल हो गया तो घर का वाइब्रेशन नॉर्मल हो जाएगा। एंड और किसी का भी ध्यान रखने का मन नहीं तो ये याद रखना, बच्चे वो नेगेटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं। इज इट फेयर? इज इट फेयर टू रेडिएट सो मच नेगेटिविटी टू एवरीबडी? आज से कितनी देर में, कितनी देर में? इमीजिएटली। अपने ही लोग है ना, अपनी फैमिली है, फाइनली तो बात करनी है। सो वाई दैट गैप टू डिप्लीट इच अदर? आज से नया संस्कार, बात हुई इमीजिएटली नॉर्मल, इमीजिएटली खाना खाना, इंस्टेड ऑफ सेइंग आज मैंने खाना नहीं खाना है।